ओ हाथ तो ऐसी दोस्त बनोगी मेरी? हाथ तो मिलाओ, हाथ नहीं मिलाना। ये क्या कर रही हो? हेलो, हाँ जी, कहाँ पे हो? अरे यार जल्दी आ जाओ, मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर वेट कर रहा हूँ, उसके पीछे वाले पार्क में। अरे यार फिर ठेके बंद हो जाएंगे ना, दारू नहीं मिलेगी। अरे यार बड़ी तलब हो रही है, प्लीज समझा कर यार। अच्छा सुन, अगर मेरा इस वाले नंबर पे फोन ना लगाना तो मेरे दूसरे नंबर पे फोन कर दियो। हाँ हाँ उस वाले 96 वाले पे कर दियो, ठीक है? हाँ तू आ जाओ जल्दी ना, चल मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके भाई आ जाओ। ओ सॉरी, ओ थैंक यू सो मच, नाइस, थैंक यू, हाय। मैं बैठ जाऊँ तो? यार पता है 2 महीने पहले ना मेरा फोन, ये मतलब आईफोन 6 गुम हो गया था ऐसे ही। मतलब मैं ना फोन पे मतलब बात करते करते जैसे अभी गिर गया ना वैसे ही, लड़की ना फोन उठा के भाग गई और मैंने जब उसका पीछा करा ना तो पब्लिक में चिल्लाने लग गई और मैंने उसको छोड़ दिया। आप इतने अच्छे कैसे हो मैम? ऐसे ही हो। हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आप घर बैठे लॉकडाउन में कैसे आराम से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी स्कैम का सामना नहीं करना पड़ेगा और दोस्तों यहाँ पे बेट लगाना भी काफी आसान है। और दोस्तों यहाँ पे हमें सबसे पहले कलर चूज करना है, कलर हमने चूज कर लिया तो सबसे पहले मैं 1000 रुपए की बेट लगा रहा हूँ। बेट हमारी लग चुकी है, हमें वेट करना है अपने रिजल्ट का। सो यहाँ पे आप सभी ने देख लिया कि कितने आराम से मैंने पैसा कमा लिया, क्यों ना हमें एक और बेट लगानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बेड लगाई है 2000 रुपये की, तो हमें देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। सो मैं तो यही सोचूंगा कि हमारा रिजल्ट अच्छा है। सो बेड हमारी लग चुकी है यहाँ पे, और दोस्तों आपके सामने मैं आराम से 15 सेकंड में 4000 रुपये जीत गया। तो आप भी ऐसा पैसा कमा सकते हैं फोरा बेड से। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, अभी जाएं डाउनलोड करें और मौज उठाएं और जाके देखें ये शानदार वीडियो। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड। दुनिया ने अच्छा बनाया, आप बचपन से अच्छे हो? बचपन से अच्छे हो। अच्छा वैसे बहुत क्यूट लग रहे हो, क्या नाम बताया था आपने अपना? हर्षिता। अच्छा यहाँ पे क्या कर रहे हो अकेले? वैसे ही स्टडी करते हो कॉलेज? स्टडी नहीं तो कहाँ पे, कॉलेज या स्कूल? सॉरी मैंने गलत पूछ लिया आपसे, कॉलेज। यार मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप ले मतलब मेरे से ले सकते हो? अरे पता है क्यों दे रहा हूँ मैं आपको, पूछो तो सही। ये आपने फोन मेरा मतलब इसमें ना मेरी बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेरे को आगे जाके बहुत सारा हेल्प कर सकती है। सो यार मतलब आपने मेरा फोन बचाया, और मतलब वो नहीं कहते मिठाई देनी चाहिए। सो क्या मतलब आप ये रख सकते हो यार थोड़े पैसे मेरे यहाँ? क्यों यार, मतलब आपने मेरा फोन, पता है 50,000 रुपये का फोन बच गया, सॉरी 70,000 रुपये का फोन बच गया मेरा यार। सो यार क्या हो गया, मतलब ये आपको दिल से दे रहा हूँ, मतलब फ्रेंड समझ के दे सकता हूँ, मतलब मेरे को दोस्त नहीं बना सकते आप? दोस्त नहीं बनाना मुझे? पहले दिल टूट चुका है आपके से। दोस्तों से दिल टूट चुका है? नहीं। तो पैसे तो ले लो यार दोस्त समझ के, क्या हो गया और दूं? अच्छा 1000 से काम, चलो ये 2000 ले लो। इग्नोर करना है तो मैं चला जाऊं यहाँ से? चला जाऊं? मैं बैठ सकता हूं। तो इग्नोर क्यों कर रहे हो यार? बोलूं? क्या बोलूं, मैं तो कह रहा हूँ क्या हो गया दिल, मतलब क्या हो गया, सेट से लग रहे हो, ब्रेकअप हो गया। एक परवरदिगार कहाँ बैठा दिया आज मुझे, मतलब 2 दिन पहले मेरा ब्रेकअप करवा के एक ब्रेकअप वाली लड़की के साथ बैठा दिया, बहुत अच्छा है यार। मतलब यार आपको हंसी नहीं आती? आपको हंसी वाली बात, मतलब मैं कह रहा हूँ परवरदिगार 2 दिन पहले मेरा ब्रेकअप करवा के एक सिंगल लड़की के साथ बैठा दिया, तो इसमें हंसने वाली बात नहीं है। मतलब आप पूछ भी नहीं रहे कि आप ये क्यों बोल रहे हो? हाँ जी। अरे आप इतने छुप छुप के बैठ, लड़की ही हो ना आप, लड़की हो ना? Yes. तो आप इतने बालों से छुपा क्यों रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप लड़के हो यार। अच्छा क्या हो गया? अरे ब्रेकअप हो गया। अच्छी बात है ना, अच्छी खुश होना चाहिए ना। ये अच्छी बात नहीं है ना। क्यों? 2 साल का रिलेशन ऐसे टूट गया। ओ भाई साहब 2 साल का रिलेशन टूट गया तो खुश होना यार, खुशी की बात थोड़े ना है पागल, खुशी के आंसू भी कभी कभी निकालने चाहिए। अच्छी चीज है ना कि ब्रेकअप क्यों हुआ? तो किसी और लड़की के साथ था इसलिए। मेरी जो गर्लफ्रेंड है, अगर मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, अगर वो मेरे को देख ले तो मेरे से ब्रेकअप कर लेगी? पूछेगी नहीं मेरे से कि जो साथ तेरे चुड़ैल सी लड़की बैठी है वो कौन है? फ्रेंड में और गर्लफ्रेंड में डिफरेंट होता है ना, डिफरेंस होता है। तो आप मेरी फ्रेंड नहीं हो ना अभी? तो अगर मेरी गर्लफ्रेंड सामने से मुझे देखे तो वो क्या समझेगी? टेंशन में क्यों लग रहे हो यार, मैं हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने आपको चुड़ैल भी बोला था, आपने सुना नहीं शायद। क्या हो गया, इतने सुन से हो गए हो यार। वैसे देखो मैं लड़का बहुत अच्छा हूँ, मैं अपनी दोस्त जो भी हमारा ग्रुप है ना मैं उसको हैप्पी कर देता हूँ एकदम से। तो मैं सिर्फ 2 मिनट आपके जानना चाहता हूँ कि आपके साथ क्या दुर्घटना घटी? मैं मेरी फ्रेंड के साथ डीसी में घूम रही थी अंदर, ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर पीछे। या अच्छा, देन वो गर्ल के साथ था। अच्छी
तो वो कौन थी, गर्ल कौन थी, सच्ची सच्ची बोलो ना यार। उसकी म्यूजिक थी। आपको कैसे पता ये बात? क्या फिर आप देखो पोलाइटली बात नहीं कर रहे हो, फिर आप रोने वाला वो कर रहे हो, रो क्यों रहे हो यार? अच्छा रोने से आ जाएगा वो वापस, तो फिर रो क्यों रहे हो? क्या हो गया, टिश्यू दूं? हेल्प हो जाएगी थोड़ी आंसू सूखने में, तो रो क्यों रहे हो? पानी दूं? नो नो, तो बताना है या मैं चला जाऊं? मतलब मैंने 2 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करी ना, दो दोस्त बना सकते हो, और दोस्त नहीं बनाना तो वैसे ही बोल दो, मैं ना खड़ा होता हूँ, मेरी बम पे लात मार लो। मारनी है तो फिर अब बताना है नहीं बताना? देखो अब ऐसे ही हो ना, मैंने बोला था ना मैं आपको हंसाऊंगा, बोला था ना अब ऐसे होना, आप सेड नहीं होना ना दोबारा। okay. पक्का प्रॉमिस करो पहले, पक्का वाला ना। अगर अभी प्रॉमिस तोड़ा तो मेरी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। ओके ठीक है, ओके बताओ फिर मैं भी चीट करूंगा। ठीक है अच्छा चाहती हो कि मैं चीट करूँ? नहीं नहीं बोलो। अच्छा नहीं चाहती कि मेरी गर्लफ्रेंड बनो? नहीं चाहती यार, मैं इतना बुरा हूँ? मतलब मैंने तुम्हें हंसाया, बनना ही नहीं है ना, किसी ने मना करा? किसी पे ट्रस्ट ही नहीं। अच्छा मत करो ट्रस्ट, बाढ़ में जाओ, मेरे को सिर्फ बात बताओ, मैं चला जाता हूँ। सॉरी मैंने अभी देखो 2 मिनट दोस्त बनाया ना आपको। okay, okay. क्या हो गया बताओ, मैं गिनता जा रहा हूँ, बताते जाओ। उसने अपनी फ्रेंड के साथ घूम रही थी डीसी में शॉपिंग वगैरह के लिए, तो इज द गर्ल वो लड़की के साथ था एंड द क्लोज थे वो, समथिंग लाइक दैट। या चुमाचाटी कर रहे थे? आपने देखा अपनी नजरों से? Yes. तो अच्छी बात है ना, आपने उसको छोड़ दिया। मतलब आप उसके लिए बैठ के यहाँ पे सोच रहे हो कि मैंने उसको क्यों छोड़ा, वो नई गर्लफ्रेंड उसने बना ली एंड ऑल, सारे ध्यान में आ रहे हो? नहीं 2 साल तो 2 साल क्या होता है? अच्छा 2 साल एक साल से था, टू साइड से था, ये बताओ। मतलब वो आपका बॉयफ्रेंड था, आप उसकी गर्लफ्रेंड, जब ही तो 2 साल चले थे ना, जब वो आपको दो साल बिना सोच के आपको छोड़ सकता है, तो फिर आप उसके लिए क्यों इतना परेशान हो रहे हो? आपने कभी उसके साथ ऐसा कुछ तो नहीं करा कि वो आपको आने वाले टाइम में टॉर्चर करेगा? वैसा तो नहीं करा ना आपने कुछ, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? जब सोचो एक बंदा आपको जाने दे रहा है, अपने रास्ते पे छोड़ रहा है, तो आप उसके रास्ते में क्यों आ रहे हो? बट मूव ऑन करना इतना इजी, वो मैं समझ रहा हूँ। 2 साल मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, बट ये ना कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पुरानी बातों को भूलना ज़्यादा ही ज़रूरी समझता हूँ मैं, तो ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ, और लोगों को भी समझना चाहिए। अब अगर तुम उसकी यादों में बैठी रहोगी तो ये क्या यादें वैसे की वैसे चलती रहेंगी? मतलब हमेशा रोती रहोगी, हमेशा आगे किसी पार्क में वेट करोगी किसी का? क्या करोगी, फोन करना पड़ेगा ना, तो अभी क्यों नहीं कर रहे? मतलब अभी आप बैठ रहे हो, किसी दोस्त को बुला रखा है आपने? अपनी बोला था आने के लिए। देखो एक जाता है ना तो दूसरा आता है, पता है ना, ये दुनिया का नियम बन चुका है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो लड़का बुरा था, बहुत बारी लड़कियाँ भी बुरी होती है। मेरे टाइम पे जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो बुरी थी, मेरे को चीट करा, मेरे से उल्टे मेरे पैसे चोरी करके भाग गई थी वो। सो धीरे धीरे मेरे को रिकवर होने में टाइम लगा, क्यों? एक तो मेरी मोटी रकम चली गई, और ऊपर से कि मेरा मतलब 3.5 साल का रिलेशन ख़राब हुआ। मेरे लिए कितना मुश्किल था, आपके पैसे तो नहीं गए, प्यार गया ना, मेरे प्यार और पैसा दोनों चला गया। सो किसके लिए मूव ऑन करना मुश्किल है, आपके लिए मेरे लिए? मैंने कर लिया ना, अब मैं कैसे बैठा हूँ? अगर किसी दिन सूरज ना आए ना तो भी मैं रोशनी दे सकता हूँ, मैं इतना खुश हूँ, पता है। तो आप तो वैसे ही मतलब समझ रहे हो, आप इतने ब्यूटीफुल हो और इतने सैड हो के ऐसे पार्क में बैठे हो। मैं तो ये सोच रहा था कि अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होगी जब तक मैं आके अपना नंबर लगा लेता हूँ, लेकिन तुम तो पहले ही यार मतलब मैं तुम्हें मूव ऑन कराने के लिए आया हूँ। भगवान कहाँ पे भेज दिया मुझे तुमने यार, भगवान। अच्छा आप ठीक है, हंसी आ गई ना? मैंने क्या बोला था, मैं अपनी फ्रेंडों को मतलब हंसाने में ज़्यादा मदद करता हूँ, तो तुम मेरी 2 मिनट के लिए फ्रेंड बनी, तो निकलो यहाँ से। बनाना है फ्रेंड अभी या मैं चला जाऊँ? बी फ्रेंड्स ना, ओके नाइस टू मीट यू हर्षिता। मूव ऑन होना है ना, कब होना है, जल्दी या आराम से? जल्दी। नया बॉयफ्रेंड बनाना? नहीं, फ्रेंड बनाना। फ्रेंड बनाना मेरे को या किसी और को? किसी को भी कोई भी चल जाएगा। आपको पीती हो? ना। तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? किसी को भी नहीं, मतलब जो जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सके। तो मुझ पे ट्रस्ट नहीं करोगी? मतलब मैंने तुम्हें हंसाया, मतलब 5,000 रुपए की खुशी मैंने फ्री में दे दी, तुम्हें बदले में कुछ तो दे दो।
इंस्टाग्राम ही दे दो, बी फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम तो दे दो। ओके, आई होप यार आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार भाई की वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यार घर बैठे अगर आप सभी को भी पैसा कमाने तो यार देरी किस बात की, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में फोराबेट का, अभी जाएं डाउनलोड करें और बहुत सारा पैसा कमाएं। मैं आपको मिलता हूं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।